नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दल तरह तरह के तिकड़म अपनाते हैं, अजीब अजीब नारे गढ़ते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी दलों की नज़र इस बार महादलित वोटर पर है, दलित वोटर पर है। बिहार में 16% दलित वोटर हैं और दलित वोटरों को साधने के लिए NDA और महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है और इसी का नतीजा है कि श्याम रजक JDU छोड़कर RJD में गए, जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़कर JDU के साथ आ गए, NDA के साथ आ गए। और आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा ऐलान कर चुके हैं दलितों के लिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अगर कोई मारा जाता है तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसको लेकर भी खूब घमासान मचा हुआ है, सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी, परिवहन मंत्री संतोष निराला, अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि को गांव-गांव जाकर दलितों के बीच इस स्कीम के बारे में प्रचार करने की जिम्मेवारी सौंपी है। तो ये सभी दलित मंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के अपने सरकार के सभी दलित मंत्रियों को ये जिम्मेवारी सौंपी है कि वो गांव-गांव जाएं, टोला टोला जाएं और दलितों को बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ उनके लिए किया है आज तक किसी ने नहीं किया, और अभी जो ऐतिहासिक फैसला लिया है वो तो कभी भूलने वाला नहीं है, ऐतिहासिक फैसला है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम क्या रंग लाएगी, क्या गुल खिलाएगी, कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चारों मंत्री ग्रुप बनाकर अपने अपने क्षेत्र में निकलने वाले हैं। सभी दलित नेता अलग अलग तारीख को सभी गांवों का दौरा करेंगे और दलित विधायक गांव में जाकर नौकरी देने की घोषणा और दलितों के लिए किए गए सरकार के सभी कामों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी संभालेंगे। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि नीतीश सरकार ने दलितों के लिए जितना किया है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। नौकरी देने के साथ दलितों के पढ़ाई स्कॉलरशिप देने का काम नीतीश सरकार ने किया है। तो क्या योजनाएं हैं दलितों के लिए, महादलितों के लिए, इसको महादलितों दलितों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी दलित मंत्रियों को सौंपी गई है, दलित विधायकों को सौंपी गई है। अब चुनाव पर क्या इसका असर पड़ेगा अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। ये तो तय है कि नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद दलित समाज पूरी तरह से JDU के पक्ष में, NDA के पक्ष में गोलबंद होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।